नमो अहंकारम नमो सिद्धारम नमो वाद्यारम नमो अध्यायारम नमो लोई सवसाहूरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम संदृष्ट अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्रियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्त्री चित्त भावाय भावाय सर्व भावान परस्थिति ध्याया ध्याने दही कम कलंक दही नित्य निरंजन नारायण मैत्रो परम प्रणमी ओम नमः। इस विश्व में एक जानना ही चमत्कार है, जानना, और वह चमत्कार मेरा है। जो इस चैतन्य चमत्कार को नहीं समझते वे ही बाहर के चमत्कारों में उलझ जाते हैं, बीत जाते हैं, अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, भटक जाते हैं। जो इस ज्ञान के चमत्कार को, चैतन्य के चमत्कार को नहीं समझे वे ही बाहर के चमत्कारों में उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं, फंस जाते हैं। चमत्कार, अरे जिसको तुम चमत्कार कहते हो पुद्गल का परिणमन है और प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है, चमत्कार क्या है उसमें? कि शाम को कोर था और सवेरे स्वर्णमयी काया हो गई, के चमत्कार है? चमत्कार क्या है? प्राग भाव प्रध्वंसा भाव उसमें परिणमन है, एकदम शरीर स्वस्थ होगा कामदेव का, श्रीपाल का, या सनत कुमार मुंडराज का, बजराज मुंडराज का, और दूसरे दिन कोर हो गया होगा। अब इसमें चमत्कार क्या है? अभी धूप है एकदम छाया हो गया, इसमें चमत्कार क्या है? उज्जवल का पहनावन है। करोड़पति क्षण मात्र में रोड़पति हो जाए, इसमें चमत्कार क्या हो गया? क्या चमत्कार है? करोड़पति करोड़पति हो जाए तो तुम चमत्कार मानते हो? रोड़पति करोड़पति हो जाए तो चमत्कार मानोगे, और करोड़पति रोड़पति हो जाए तो क्या मानोगे? अरे ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो मेल। लौकिक में भी अपना चित्त अच्छा हो तो सब अच्छा लगता है, और चित्त अच्छा नहीं हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अब कैसे कहते हो पर पदार्थ अच्छे हैं और पर पदार्थ बुरे हैं? आचार्य योगेंद्र देव इस परमात्म प्रकाश ग्रंथ में क्या कह रहे हैं? जो यह ज्ञानमयी परमात्मा है, जो यह ज्ञानमयी परमात्मा है, जब ज्ञान से परिपूर्ण हुआ तो रागादि से शून्य हुआ, वितराग सर्वज्ञ दिन। अब जोर न कह करके फिर जैसा कहेंगे हम, जैसे ये वितराग सर्वज्ञ देव हैं, जैसे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान हैं, जैसे समो शरण में विराजमान अनंत परमेष्टि हैं, वितराग सर्वज्ञ, वैसा ही ज्ञानमयी परमेश्वर तेरे भीतर है। अरे तेरे भीतर है ऐसा भेद नहीं है, तू स्वयं है। तेरे भीतर नहीं माने तू कोई और है, ये दिखने वाला तुम है ही नहीं।
जिन्होंने बहिरात्माओं ने बाहर दिखने वाला ये शरीर ही अपने को मान लिया, उनसे कहेंगे तेरे भीतर, लेकिन तेरे भीतर क्या सच पूछो तो वह तू ही है। चेतक है सो तो मैं ही हूं, ज्ञाता है सो तो मैं ही हूं। इस शरीर में और स्टैच्यू में क्या अंतर है, ये जानना का अंतर है, सोचने समझने का अंतर है। स्टैच्यू कुछ जानती नहीं है, सोच समझती नहीं है, सुख दुख का भेदन नहीं करती। आप जानते हो, समझते हो, सुख दुख का भेदन कर सकते हो, यही तो अंतर है। लेकिन अगर आपने जानन हार को नहीं जाना तो क्या अंतर है क्या? क्यों भाई, गरीब में और धनी कंजूस में क्या अंतर है? गरीब में और धनी कंजूस में क्या अंतर है? अगर कुछ अंतर करोगे तो धनी कंजूस ज्यादा दया का पात्र, बेचारा होते हुए भी नहीं भोग पा रहा, होते हुए भी नहीं दे पा रहा। भाई नहीं हो नहीं दे पाए बात अलग है, नहीं हो नहीं कर पाए बात अलग है। अब है और नहीं, एक के टिफिन में भोजन रखा है, माँ ने रख दिया है, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। लोटा डोर भोजन साथ में लेकर के जाओ, होटल पर मत बैठो, किसी भोजनालय में मत घुसो, आदत छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। अरे हम तो ये कहते हैं कहीं जा रहे हो तो पहुंच जाएंगे, इस विकल्प में भी मत रखो, थोड़ा अपने पास रखे, कोई गाड़ी खराब हो जाए, कुछ बात हो जाए तो पानी पी ले वहां जाकर, क्या पहुंच जाएंगे वो तो? अरे पहुंच जाओ तो सबको खिला दो, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। भोजन और अपना जो कुछ ही पाठ्य बोलते साथ में लेकर के चलते, और समाधि मरण में लिखा है, पढ़ा होगा आपने, एक ग्राम जाने के कारण करे सुभाषो प्यारे, जब परगत को करो पयाने क्यों नहीं सोचत प्यारे। जब एक गांव एक दिन दो दिन चार दिन के लिए गए तो वहां कुछ लेकर के भैया साथ में लेकर के चलो, अब बीच में कुछ फंस गए तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, कहाँ भटकेंगे, कहाँ ढूंढते फिरेंगे, जहां भ्रष्ट होंगे। अरे पर में सुख ढूंढने वाला भ्रष्ट है, पर में सुख मानने वाला भ्रष्ट है। दर्शन दर्शन भट्टा भट्टा, अपना सुख अपने में प्राप्त करने वाला जीव पुरुषार्थी है, साधक है। पर में सुख मानने वाला जीव, पर में सुख के लिए भटकने वाला जीव भ्रष्ट है। देखो तो बाजार में कुछ है, भ्रष्ट काहे को हो रहे हो? जो बाजार में बिक रहा वो तुम्हारे खाने लायक नहीं है, न तुम्हारे संयम के अनुकूल है, न स्वास्थ्य के अनुकूल है, और न तुम्हारी प्रतिष्ठा के अनुकूल है। कल ही कौन कह रहा था 1000 किलो पनीर नकली नरमा और उसका पकड़ा गया वहां, ये भगवान क्या हो गया? ऐसे लोगों जिनको न दया है, न संस्कृति के प्रति प्रेम है, न कोई धर्म बुद्धि है, ऐसे लोगों की बनी हुई चीजें कैसी होंगी? आप सोचो, तो हम ये पूछ रहे, एक गांव में जब आप जाने के लिए चले तो कुछ साथ में पाठी नाश्ता भोजन जो कुछ भी है लेकर के चले, लोटा डोर पानी कुछ लेकर के चले। और क्यों भाई, परगत में जाना है कि नहीं? परलोक में मरण कब होगा ये भले ज्ञान में ना हो आपके, लेकिन मरण होगा ये तो निश्चित है।
जन्म हुआ है उसका मरण होता है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा, जिस पर्याय का उत्पाद हुआ है उसका व्यय होगा, निश्चित, कोई शंका की बात नहीं। अब जी बता, परलोक जाओगे का लेके जाओगे? पाप के परिणाम, पाप की गठरी लेकर के जाओगे? जो पाप के परिणामों से कर्म बंद हुआ, बस वह कर्म साथ में जाएंगे? इस मायाचारी को लेकर के कहां जाओगे? त्रियंत गति है। इस बहुआराम परिग्रह को लेकर के कहां जाओगे? नरक में। स्वर्ग में जाने की तो व्यवस्था नहीं, मोक्ष में जाने की तो कोई बात ही नहीं। आत्मा को जाने बिना मोक्ष नहीं होता, परमेश्वर के प्रति भक्ति जागृत हुए बिना स्वर्ग भी नहीं होता। बहुआरम परिग्रह में फंसे हुए जीव नियम से नरक में जाएंगे और कहां जाएंगे? इस परिग्रह के लिए नवग्रह करते हो, परिग्रह नहीं पकड़ रहे। नवग्रह की पूजा करो, नवग्रह शांत करो, इस परिग्रह की तृष्णा को तो शांत कर लो भैया, नवग्रह अपने आप शांत हो जाए। इस परिग्रह की भोगों की तृष्णा को शांत कर लो, अपने परिणामों को शांत कर लो, जिनेश्वर देव की उपासना करो, तत्व का अभ्यास करो, अंतर में अपना सुख देखो, बाहर में मत भटको, नवग्रह अपने आप शांत हो जाएंगे। कहां के नवग्रह भैया? ग्रह सूचक हो सकते हैं, ग्रह कर्ता तो नहीं हो सकते। सूर्य का उदय हुआ, उसने दिन बना तो नहीं दिया, दिन का सूचक है दिन हो गया। चंद्रमा का उदय हुआ, आज पूर्णमासी है, उसने बना तो नहीं दी पूर्णमासी। द्वितीया को पूर्णमासी बनाएगा चंद्रमा क्या? सूर्य क्या रात को दिन बना देगा? अब तो रात है, अब तो दिन हो गया, तो उसने सूचना दी है। निमित्त नैमित्तिक भाव से भी सूचक हो सकते हैं, कर्ता नहीं हो सकते। पुण्य के उदय में कुछ भी बिगाड़ करने में समर्थ नहीं, पाप के उदय में कोई अनुकूलताएं देने में समर्थ नहीं है। भटको मती है, भटकाओ मती अपने मन को। एक परमवीतरागी सर्वज्ञ देव के प्रति अनन्य चित्त हो जाओ, तब तुम्हें आत्मा की बातें शोभा देंगी, आत्मा की बातें अच्छी लगेंगी, और आत्मा की चर्चा करोगे और इधर उधर भटकोगे अच्छा नहीं लगेगा। ग्रहित मिथ्यात्व का ही अभाव नहीं, अग्रहित का कैसे होगा? और मिथ्यात्व के अभाव के बिना धर्म का प्रारंभ कैसे होगा? और सुख शांति कैसे मिलेगी? एक लड़की ने लड़के ऐसे कपड़े पहन लिए, बाजार में खड़ी हो गई और मोबाइल पकड़ लिया, उसको तो कहे भ्रष्ट हो गई है। किसी लड़के से बात करने लगी, साथ में चली, अरे भ्रष्ट हो गई। वो कहते हो कि नहीं कहते? लेकिन हम ये पूछते, पर में सुख मानने वाला कौन? दंशन भट्टा भट्टा। क्यों पर में सुख की कल्पना कर रहे हो? पर में सुख की कल्पना में क्या है? अभी पहुंचाएंगे घर फिर अपने आराम से, और घर गए तो किसी की तबीयत खराब मिली, वहां जाते ही पानी नहीं पी पाया, खड़े नहीं हो पाए, कब आए? अरे देखिए भैया, ने डॉक्टर को बुलाई जल दिया, उसी गाड़ी से लौटते डॉक्टर को बुलाने चले गए, या उसको लेकर के डॉक्टर के पास चले गए। अब बताओ घर में कहा है? अरे पहुंचे आज, फिर अपने आराम से खाएंगे पियेंगे। भैया घर बैकुंठ नहीं है, घर सुख का, घर में सुख नहीं है। तत्व ज्ञान न हो तो घर में भी सुख नहीं, शांति नहीं, और तत्व ज्ञान हो तो जंगल में भी सुख और शांति है। सुख और शांति का संबंध ज्ञान वैराग्य से है, घर और जंगल से नहीं है।
परदेश हो तो क्या है, परदेश यहाँ आप आ गए, यहाँ भी पुण्य उदय प्रमाण सामग्री मिली, बैठने को चटाई मिल गई कि नहीं मिल गई, बैठने को हॉल मिल गया कि नहीं, कोई झूठ में तो नहीं बैठे, जमीन पर तो नहीं बैठे, मिल गया कि नहीं मिलेगा, इनको स्कूल मिल गया कि नहीं मिलेगा, घर क्या करेगा। पुण्य के उदय प्रमाण सामग्री परदेश में भी मिलती है और पुण्य से ज्यादा घर में भी नहीं मिलती। पुण्य से ज्यादा घर में भी मिल जाएगी आपको, हम पूछते हैं। आपको लग गए दस्त, आपको तकलीफ हो गई, भैया दूध पी लो, भैंस बनिए दूध तो लोग वाक पियेंगे, घर के लोग, तुम तो नहीं पी पाओ। मीठा खा लो, अरे नहीं नहीं वो डायबिटीज हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया, तुम तो नहीं खाओगे, घर वाले खाएं तो खाएं, घी के डिब्बे भरे धरे हैं, शक्कर के बोरे भरे रहे हैं, रोज मिष्ठान बन रहे हैं, 10-20 लोग खा पी रहे हैं अपने आराम से। पहले सेठों के ऐसे ही होते थे, धर्मशालाएं होती थी, धर्मशालाओं में मंदिर होते थे, वहां रहने की व्यवस्था होती थी और कहीं कहीं खाने की भी व्यवस्था होती थी, और दोनों तरह के खाना बाहर और भीतर, शुद्ध और सामान्य शुद्ध, अशुद्ध नहीं। कोई साधर्मी गांव से व्यापार करने गए, धर्मशाला में ठहर गए, अपने लोटा डोर ले गए थे, पानी खींचा और वहां भैया उसने मुनीम ने पूछा, भैया भोजन बाहर करोगे कि भीतर, बस इतने में हो गया शुद्ध और अशुद्ध वाला। हम बाहर कर लेंगे तो बाहर कर लेंगे, भीतर भीतर जाओ, नहाओ धो पूजा करो, ऊपर मंदिर है, नहाओ धो पूजा करो और जाकर के आओ सो भोजन तैयार। सेठों की सेठाई इस तरह की होती थी, बात्सल्यपूर्ण। अब क्या है, गाड़ी है, फ्रिज है, कूलर है और टीवी है और मोबाइल है, 10 मोबाइल है सबके पास, अपने अपने एक एक के पास दुग्ध है और बात्सल्य भीतर है नहीं, तत्व ज्ञान है नहीं, विवेक है नहीं, हो सही नहीं कछु कि हम बड़े आदमी हैं, काय के बड़े आदमी हो, एक आदमी पहुंच जाए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, तुम्हें सोचना पड़ेगा, काय के बड़े आदमी। तीस 35 साल की बात है, ये एक बेटी थी और मंदिर छोटा था, सब बात बनी, ये सब खंडर पड़ा था जब हम आए थे। एक जगह बस वालों की खबर आ गई कि हम उमैन आ रहे, तो हमने की भैया ये भोजनालय आश्रम वगैरह कुछ था ही नहीं, कहा वो बोले आ तो जान दे, अरे बारात आती है कि नहीं आती, आए तो जान दे, आप क्यों विकल्प करते हो, आ तो जाने दो, बारात आती है कि नहीं आती ये बता, और बारात का इंतजाम होता है तो साधर्मी आ रहे तो साधर्मी क्यों नहीं होगा। आज भी याद है हम जैसे उसी दिन जैसी बातें हो, तो भैया आप कहा वो देखो कहते देखा थे, कहे तुम्हें व्यवस्था नहीं, मैंने कहा बहू चली गई, नहीं कहे कहे वो अम्मा बीमार है, कहे वो फलानो वो ऑटो नहीं है, कहे वो दूध नहीं है तो फलानो नहीं है, कहा नाटक करते हो, श्रावक हैं, भ्रष्ट हैं। रहमन बे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाए, उनसे पहले बे मुए जिन मुख निकसत ना, हमारे पास नहीं, हम पे नहीं है, हमारे घर है नहीं है, समझ लो मर चुके, सबसे पहले ही मर गए, बे उनको जिंदा कहेंगे हम, मिथ्या दृष्टि चलता फिरता मुर्दा है, पर मैं सुख ढूंढ रहा है, भोगों में सुख ढूंढ रहा है, परिग्रह में सुख ढूंढ रहा है। हम ये पूछते हैं जाने की तैयारी कहाँ है तुम्हारी, अरे हम पूछ रहे जाने की क्या तैयारी, जाना होगा कि नहीं, अमृत्यु बालक युवा वृद्ध को नहीं देखती, रोगी निरोगी को नहीं देखती, धनी निर्धन को नहीं देखती, स्त्री पुरुष को नहीं देखती,
जब जिसकी आ गया नंबर चल रहे तो क्या तैयारी तुम्हारे पास बता। हमें मत बता कोई बात नहीं, अपन तो सोचो, हमें बताने की अपेक्षा आपका अपने आप सोचना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या तुमने आत्मा अपने को समझा, अनादि अनंत मैं नहीं मरूंगा ये बात समझी, मैं अनादि अनंत अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज ज्ञानमयी आत्मा हूं, आनंदमयी आत्मा हूं, मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, डब्बा में से मिश्री निकालती तो काम बिगड़ गया, बड़ो शरीर में से आत्मा निकल गई क्या बिगड़ गया उसका, क्या कमी आ गई उसमें। क्षमता से जो देह तजोगे तो उत्तम गति पाओ, क्या फर्क है, हमें क्या दिक्कत है। हम जहां जाएंगे वहां धर्म ध्यान करेंगे आत्मा के आश्रय से। भैया देह और देह के साथ समस्त संयोग जो छूटेंगे उनको तुमने छूटा हुआ जाना, विचार किया भावना भाई कुछ ऐसा छूटे हुए हैं। ये बहुत बढ़िया कान निगा लगा रहे, कब बढ़िया घटिया, ये सब छूटा हुआ है, अध्रुव है, विनाशी है। विचार करो जो देह और संयोग छूटेंगे उनको आपने छूटा हुआ जाना कि नहीं जाना। एक कवि ने व्यंग किया, कोई मर करके देते हैं, कोई दे करके मरते हैं, कोई दे करके मर करके देते हैं, कोई दे करके मरते हैं, जरा से फर्श से बनते आते ज्ञानी और अज्ञानी। मर करके देोगे कि नहीं देोगे, छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, आजीवन में नहीं छोड़ पाओगे और देोगे दे नहीं पाओगे, और देोगे तो किसको, भाई शान से कहता है वो बुजुर्ग शरीर का बूढ़ा पंडित, हम तो सब छोड़ दिया, सब दे दिया, कौन को, लड़का को, लड़की को, अब वो तो पैसा ही मिलते कोर्ट से बंटवारा हो जाए, तुम नहीं देते तो पंच बंटवारा कर देते कि नहीं करते, कोर्ट से बंटवारा होता कि नहीं, ऐसे देवे से क्या मतलब है। अरे देव कच्चे प्याल है, कच लावक जन, कच दुखिया जन दे, क्षमा क्षमा सब ही सो कह के मन की सल्या ने। ये तुम्हारी भगवती थोड़ी है, साथ जाने वाली थोड़ी है, लाओ लाओ धरो धरो, लाओ लाओ धरो धरो, लाओ लाओ धरो धरो, ये कोई तरीके है जीने के, ये कुमरण के साधन है। उन्हीं की चिंता में, उन्हीं की आकुल व्याकुलता में, उन्हीं की मूर्छा में मर जाएगा, बिस्कुट कहां गए, बिस्कुट कहां गए, और मर गए। लड़के ने निकाल दिए, अब वो भगवान आए, अब मर गए, बिस्कुट कहां गए, भगवान का नाम नहीं ले पाया। ये परिग्रह आपा भुला है, परिणाम को बिगाड़ करके संकलेश करके नरकादिक दुर्गतियों में ले जाने वाला है, चाहे चेतन परिग्रह हो चाहे अचेतन परिग्रह हो। क्यों भाई एक कोट और पहन लो, एक कोट पहन लो ना, काहे को पहन ले, जब इतनी गर्मी है, बनियान में गर्मी लग रही, तुम कह रहे कोट पहन ले, तो ये बताओ थोड़े परिग्रह में जब क्लेश है तो ज्यादा परिग्रह में काहे को मर रहे, कोट काहे को पहन ले भैया, जब बनियान पहन ही गर्मी है तो कोट पहनने का समय है, कोट पहन रहे क्या कर रहे, जब तुम्हें थोड़े परिग्रह में भी दुख है क्लेश है तो ज्यादा परिग्रह में क्या होगा, मां क्लेश होगा कि नहीं होगा, सोचो। ये ये बातें कहां मिलेंगी और कहां सुन पा रहे होंगे। अरे लाखों करोड़ों जीव ऐसे होंगे जो धंधे व्यापार में उलझे होंगे, ये बातें नहीं सुन रहे, परमात्मा में पड़े होंगे, विषयों में उलझे होंगे, नाश्ता कर रहे हुए, अखबार पढ़ रहे हुए, घूम रहे हुए, मोबाइल लगा रहे हुए, तो बताओ ये साधन सब इस धर्म ध्यान में बाधक हो गए कि नहीं हो गए। स्थूल स्थूल सूक्ष्म नहीं कह रहे हम आत्मा की बात,
अगर तुम्हें शांति से जीना है, शांति से धर्म ध्यान करना है, तो परिग्रह का परिमाण करना सीखो। गर्वाय कृष्णा जो घटावे रुच नहीं संसार सो। निजमाय संतोष जो बढ़ावे रुचि समय के सार सो। समय सार से रुचि जग गई, अपने में संतोष आ गया, काम बन गया, बात बाकी का हो। हम ये कह रहे थे मरने से की क्या तैयारी है बताओ। अरे एक बच्ची 12 वर्ष की लगभग, तुम्हारे गांव की बात है, एक बच्ची और वो दिवाली की आतिशबाजी, और लड़का और लड़की भैया बहन दुकान पर पिताजी गए थे रोटी खाए, गए थे कि नहीं याद है कि नहीं, और कोई ग्राहक आया उसने कहा भैया वो फलानी चीज देना, तो स्टूल पर खड़े होकर के उसने निकालना शुरू किया, लड़का जरा बाहर आ गया उसने निकालना शुरू किया, और उससे वो दब गया पटाखा, फट 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 आग लग गई, लड़की जल गई, लड़का तो थोड़ा ज्यादा लड़की ज्यादा जल गई, लेकर के ललितपुर गए हॉस्पिटल में। लड़की कह रही है पिताजी चिंता मत करो, देह छूटेगी और क्या होगा, है पिता के सिर में है, गोदी में बेटी का सिर, पिताजी सकल गए की विनती हमको सुना दो। ये है तैयारी। और सकल गए की विनती सुनते सुनते देह छूट गई। पिताजी रोना मत, दुखी मत होना, लड़की कह रही है। ये पाठशाला के संस्कार हैं, ये तत्व के संस्कार हैं। हम कह रहे हैं इन संस्कारों के लिए आदमी परेशान हो रहा है, परेशान हो रहा है, तैयारी नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, न दो पैसे छोड़ना पड़ेगा, न जगह छोड़ना चाहेगा, न किसी को योजना बनाना पड़ेगा, फुर्सत ही नहीं। संस्कार मिल जाए मुफ्त में, अब कहां से मिल जाए, कैसे मिल जाए, सोचो। संस्कार शिविर लगाओ, पाठशाला लगाओ, अपने अपने क्षेत्र में लगाओ, अपने अपने नगर में लगाओ, गांव वाले आकर के वहां पढ़े सुने, हो जाए क्या खर्च हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, मुफ्त में चले आएंगे, छूट जाएंगे सब। मृत्यु महोत्सव की आपने क्या तैयारी की, पंचकल्याण की कैसी तैयारी करते हो, दिवाली की कैसी तैयारी करते हो, पोता पोता झाड़ा बुआर और सब काम करने, और आपने मृत्यु महोत्सव की क्या तैयारी की, ये बता। क्या आपने न मरने वाला शुद्धात्मा मैं हूं ऐसा समझा, भाई रुको इससे गर्मी कम नहीं होगी, बहुत गर्मी है, ये मत सोचो गर्मी मेरे में नहीं है, ये सोचो गर्मी अनिष्ट नहीं है, ये सोचो। हमारे उन मुनीसरों को याद करो, शैल शिखर मुन तप तपे दाजे नगम सरी, उपयोग बदलो, श्रद्धा बदलो। अरे हम कहे व्यापारों में ये तो खैर ठीक है, यहाँ तो पंखा चल नहीं रहे, लेकिन एक बात बताओ, जब व्यापार में व्यापारी बैठा हो, बिजली चली जाए और दुकान भरी हो तो क्या हो, कचरी। गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी में कहाँ बिजली है, बिजली वैसी चली गई तो अब बस पसीना टपकता जा रहा, भरी गाड़ी और उसमें बैठे बैठे, अब क्या करें, भैया चलाओ, चलेगी तो नहीं हवा लगेगी, और वो कैसे चलाए, वो तो सवारी भर रहा है। अरे मजबूरी में अनेकों कष्ट सहे हैं, मजबूरी में मोह के कारण, तत्व ज्ञान पूर्वक परीक्षाओं को सहना सीखो। शीतोष्ण परिचय है, भूख प्यास परिचय है, निंदा प्रशंसा परिचय है, का है परिचय, मल परिचय, स्नान परिचय, स्त्री परिचय, 22 परिचय है कि नहीं, मुंदाज की प्रधानता से।
यही गुरु उपासना है। इस प्रकार का अभ्यास करो, इस प्रकार में उन गुरुओं का स्मरण करो, यह गुरु उपासना है। उन भगवंतों का स्मरण करो, भगवान के समान अपना भगवान अंतर में निहारो, ये जय पूजा है तुम्हारी परमार्थ। देखो भाई, एक बात कह दें, अपना परमार्थ अपने से बाहर नहीं हो सकता। अगर परमार्थ चाहिए तो अपने भीतर देखो, बाहर में क्या मिलेगा तुम्हें? कथाएं मिलेंगी, दुख मिलेगा, क्लेश मिलेगा, संसार में परिभ्रमण होगा। ये पद तुम्हारा पद नहीं है, शुद्ध चैतन्य पद हमारा पद है। ऐसे ही सोचो, ये ज्ञान तुम्हारा ज्ञान नहीं है, ये सुख तुम्हारा सुख नहीं है, ये प्रभुता तुम्हारी प्रभुता नहीं है, ये वैभव तुम्हारा वैभव नहीं है, तुम्हारा सर्वस्व तुम्हारे भीतर है। तैयारी रखो हमेशा, एवर रेडी। कोई कंपनी और सेलों का नाम थोड़ी है एवर रेडी। आप एवर रेडी माने हमेशा तैयार हो। मृत्यु आ गई, रुक जाओ, अरे तैयार हैं, चलो। समाधि वर्ण में लिखा पंडित जी ने, मृत्यु शरीर का ग्राहक है, आत्मा तो ग्रहण करती नहीं, समझती आत्मा को तो मारती नहीं। मक्खी अग्नि की ज्वाला पर तो बैठती नहीं, गंदगी पर बैठेगी या मिठाई पर बैठेगी, और कहाँ बैठेगी। ऐसे ये राग द्वेष के कारण मरण होता है। मिठाई और गंदगी माने कहा है, मोर राग द्वेष, ये राग द्वेष के कारण मरते हैं। रागी द्वेषी मरते हैं, ज्ञानी थोड़ी मरते। अब हम अमर भाई न मरेंगे, न मे मृत्यु कुतो भीति। जिसे मौत है उसको है मुझको क्या। कितनी निश्चिंता, कितना अपने जो सिद्ध में आपने फेर न जाने, तो का परवाह करे जब, तो कौन दुनिया की परवाह करने वाला है जो उसने सिद्ध में और अपने में अंतर नहीं समझा है, अपने सिद्ध समान स्वरूप को समझा हो। एक गांव में जिससे बाहर जाना हो तो रोडा रोड पानी और इंतजाम, और दो कपड़े तो रख ले, बरसात में कहीं भीग गए तो क्या पहनेंगे, क्या बदलेंगे वहां। और जब आपको यहां से जाना है तो क्या तैयारी है। जिसे जाना है उसे समझ लो, जिसे जाना है उसे समझ लो, और जिसे यहां रह जाना है उसे समझ लो। बोलो, यहां रहना है उसे समझ लो, और जाने है तो और जाने वालों से प्रीति करोगे कि यहीं रह जाने वालों से प्रीति करोगे, ये बात सोचो। अपने से प्रीति करोगे कि पर से प्रीति करोगे, ये सोचो। क्या तैयारी है? मृत्यु महोत्सव की तैयारी है तत्वार श्रद्धानम, तत्वों का श्रद्धान हो जाना, जो छूटेगा उसे छूटा हुआ जान लेना। इनको पर द्रव्यों को सुख दुख का कारण नहीं समझना, ये तैयारी है आपकी। आपको कोई क्लेश नहीं होगा, सच कह रहे। तीर्थंकरों को नहीं हुआ, मुनीश्वरों को नहीं हुआ, ज्ञानी ग्रस्तों को नहीं हुआ, आपको भी कोई क्लेश नहीं होगा, मरण हो जाएगा बड़ी आसानी से। किसी मां की गर्भ में बालक है, कहा हो वो कैसे निकले, वो कहा हो वो कैसे निकले, वो कहा हो वो कैसे निकले। वो अगर चर्या सही होती है और व्यवस्था सही होती है, बच्चा कैसे जन्म ले लेता है। तक पदोपद जय नहीं, पदोपद का भाव कौन पेट चीर के निकालना पड़ेगा, बच्चा निकल आए और हंसता हुआ जिसको देख करके तुम्हें प्रसन्न भूल गया। राखी भूमिका में यही है और है क्या भाव लड़की मर गई, जैसे जैसे तुम्हारे भाग को ले जाएगी लड़की, क्या भाव लड़का बाजे बजा गई जैसे तुम्हें कस दे जाओ। अरे संस्कार शून्य लड़का दुख का कारण बनेगा, और संस्कारवान लड़की सुख का कारण बनेगी। संस्कार शून्य लड़का
तुम्हारी दुकान में तो बनेगा, परेशान हो जाओगे। क्या करें वो मानते ही नहीं, क्या करें वो मानते ही नहीं है, अवेलो आओ ही नहीं है, जाने कहाँ होगो। हम जानते हैं वो कहाँ होगो, चंडाल चौकड़ी घूम रही होया कहूं, होया कहूं ठेका पे, होया कहूं फलाने में, सत्ती में, गत्ती में, जुआ में, ता में। और संस्कार सुन लड़की हो, संस्कार मान लड़की होगी तो पिताजी तुम शुद्धात्मा हो। अब शुद्धात्मा का स्मरण करो, देह तुम नहीं हो, इतना ही संयोग है ये सब। ये संयोग छूटेंगे दूसरे शरीर, देह आपकी छूट रही होगी और लड़की संबोधन कर रही होगी। अब बताओ कौन को जिया, कौन को रोए, कौन को हंसे। जिस लड़की के साथ हमेशा दुभांत करी, पक्षपात किया, लड़की पढ़कर क्या करेगी, लड़की दूध पीकर क्या करेगी, लड़की ये थोड़ी खा। लड़कन को लाड़ प्यार करो, लड़कन को सौंपो सबका, चाह या जाओ, चाह या करो, चाह कुछ करो। अब ये लड़के दुख के कारण बन गए, मरे तो हम क्या करें। बेटा ने ने जब धीमी कर दे, जब का टीवी होती काम होगा वो धीमी कर दे ना, तो क्या बाजे हम बजाए नहीं, हम तो गाना सुन रहे। अरे बेटा गाना सुन रहे, नहीं पिताजी को देख ले, सोचो क्या करोगे। मुफ्त का रोना है, पर जब इष्ट और अनिष्ट नहीं होते इस बात का सिद्धांत कर लो, खूब बार बार विचार करके सिद्धांत कर लो और भावना भाव। पर जब इष्ट अनिष्ट नहीं, अभी हम कह रहे थे ना बहुत गर्मी जी मत सोचो, गर्मी मेरे में नहीं है सोचो। और बहुत गर्मी करने से क्या कम हो जाएगी गर्मी, क्यों आज ध्यान करके नया नरक की गर्मी जाने की तैयारी कर रहे हो। आज ध्यान करके नरकादि की तैयारी क्यों करते हो। तुम्हारे ऐसे कहने से बहुत भूख, बहुत वेदना, तो वेदना का कम हो गई। अरे शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ऐसे तो वेदना कम होती है। तू जो उपाय करता है वह झूठे हैं, छोटमल जी क्या कहते हैं, तू जो उपाय करता है वह झूठे हैं। अपने अपने में उपाय करोगे, अपना उपाय उपे, अपना साधक साध अपने भीतर है कि बाहर है। विचार करो भाई, विचार करो। तैयारी क्या है, चटाई पे सोने की तैयारी, अकेली तैयारी नहीं है, अभ्यास। तत्व ज्ञान का गहरा अभ्यास ही अभ्यास है तैयारी। बहुत चटाई पर तुम सो जाओगे आराम से और आनंद रहेगा तुम्हें, कोई क्लेश नहीं होगा। मखमल पर सोने वाले गीदर्शन भक्ते वे, मखमल पर सोने वाले गीदर्शन भक्ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने शील को नहीं छोड़ा। सूली पर चढ़ते देखे, धर्म को नहीं छोड़ा, अग्नि में जलते देखे। किस बल पर, जो जल रहा है तो मैं नहीं हूं और मैं तो जल नहीं रहा। जो जल रहा है, जो चल रहा है, वो मैं नहीं हूं और मैं चल नहीं रहा हूं। देखो भाई, आत्मा देह से भिन्न है और आत्मा तत्व को देह से मूर्छा छोड़ करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जिसे ये लगता है देह मैं हूं, उसे आत्मा कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। हम एक ही जगह तो होगा, दो जगह कहां से हो जाएगा। अनुभव की बात तो बाद की है, पहले निर्णय में तो आया कि हम नहीं है, तब अपनी को खोजोगे। या दूसरे को चश्मा अपने जेब में डालें,
हमारे चश्मा तो हमारे पास है, मान बैठी हो, अब काय को अपनो ढूंढोगे। जब दूसरा आया उसने कहा क्यों भाई, ये चश्मा तो भाई साहब हमारा है। तुम्हारा? हाँ ये तो तुम्हारा, तो हमारा कहाँ है? जब तक ये खाया हुआ भोजन तुम्हारा निकल नहीं जाएगा तब तक तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी, नया कैसे खाओगे? और नहीं निकाले बिना और वैसे ही खाद खाद जाओगे तो क्या होगा, बीमार होगे कि नहीं होगे? कल भोजन किया था, वो भोजन निकलेगा सवेरे तब भूख लगेगी टाइम पे आपको, और फिर खाओगे रस भी आएगा और उसका रस भी बनेगा। और अगर तुमने भोजन पेट साफ नहीं हुआ, कल का भोजन तुम्हारा निकल नहीं पाया, क्यों भैया भोजन कर ले, भूख नहीं है आज, पेट भारी भारी है। अरे देखो भैया बढ़िया इमरती बनी है, अब रात की आसक्ति में तो लाओ दो खा लें वो अलग बात है, लेकिन भूख नहीं लगेगी, स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही ये एकत्व बुद्धि नहीं छूटेगी पर में, तब तक एकत्व विभक्त की प्राप्ति कैसे होगी तुम्हें? तुम्हें को निश्चिंत बैठे हो, हम यही हैं। ए भैया मर में पड़े, अब मन ने तो सभी पत्र वो तो मजबूरी है, क्या करें? ऐसी बातें करोगे और बड़ी मजबूरी से मरोगे। अरे मजबूरी है अगर मरना, देह छूटना मजबूरी है, तो ये भेद ज्ञान करना जरूरी है। मरने के समय में परिणाम संक्लेश न हो तो मजबूरी नहीं, ये जरूरी काम करो। सत आवश्यक सत्कर्माण दिने दिने, आवश्यक कहा, अवश्य का कर्मों से आवश्यक, निश्चय आवश्यक कहते। विचार करो, ये उपाधियां पद छूटेंगे, प्रतिष्ठा छूटेंगी, ये सब छूटेंगे, पहले ही छोड़ दो, निशंदे हो जाओ। आचार्य आचार्य पद छोड़ देते हैं, राजा राजा पद छोड़ देते, युवराज को राज दे देते हैं, सेठ अपनी पगड़ी उतार करके लड़के को दे देते हैं, तुम क्या करोगे बता? मरने के बाद देोगे? अरे छोड़ दो, उनको दिखेगा तो करेंगे। तुम्हारे पिताजी छोड़ गए कि नहीं छोड़ गए तुम्हारे, तो तुम अपने बच्चों के लिए छोड़ दो, चलो छोड़ो, लेकिन अकेले बच्चों के लिए नहीं, सारे बच्चे अपने, व्यवहार न और कोई अपना नहीं। धर्म प्रभावना के लिए अपना समर्पण कर दो, छिटक दो हल्दी, साथ तो जाएगी नहीं और भोग सकते नहीं। और लड़कों में संस्कार नहीं है तो वे क्या करेंगे? बाकों बढ़िया शानदार कोठी बना लिए, एक वहां जगह ले लिए, एक वहां कर लेंगे, एक वे कर लेंगे, क्या हो पता? और फिर आकुल व्याकुल होकर के मरेंगे, और कोई ऐब लग गया, व्यसन लग गए तो बर्बाद कर देंगे सब। और भैया तत्व अभ्यास में नहीं लगे और व्यसन लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, तत्व ज्ञान के अभ्यास में लगे, सत्संगति में बैठना सीखे तो व्यसनों से बच पाएंगे, अपने बल पर, ज्ञान के बल पर, विवेक के बल पर, और नहीं तो कोई आश्चर्य नहीं। देख लो आप, जिनको आप बड़ा बड़ा कहते हो, बड़े घरों के खेल कहते हैं, कितना क्लेश, कितने पाप, कितनी बुराइयां, कितनी कुरीतियां, देख लो आप, इतनी तुम्हें सामान्य लोगों में नहीं मिलेंगे। अगर ये तत्व ज्ञान साथ में नहीं हुआ तो भाई ये संपदा अनर्थ का कारण बन जाएगी, और तत्व ज्ञान साथ में तो फिर कोई बात ही नहीं। कह देती हो मानो तो सही भैया, पूत कपूत कहा धन संचय, पूत सपूत कहा धन संचय, हमने इतनी पूंजी दे रही, अरे उसे सद आवश्यकों के संस्कार की पूंजी दे, सात तत्वों के संस्कार की पूंजी दे, समाधि मरण पाठ में लिखा है, बच्चों से कहता है पिता, हे बेटा अगर तुम व्यवहार नहीं थे, हमें तुम अपना पिता समझती हो,
तो तुम्हारे हित के लिए हम ये कहते हैं देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत कभी मत छोड़ना, भटकना नहीं कभी, इधर उधर कहीं भटकना नहीं, पुण्य से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। देव शास्त्र गुरु से सिद्धांत रखना और लिखा साधर्मियों से प्रीति करना, अपने व्रतशील संयम में दृढ़ रहना, और से पहले बोलो श्रद्धान में दृढ़ रहना, देह हम नहीं है, ये वैभव हमारा नहीं है, ये पद हमारा नहीं है। इंसल्ट नहीं होती है छोड़ देने में, छुड़ा लेवे में इंसल्ट है, इंसल्ट छोड़ देने में इज्जत बढ़ती है। भैया हम क्या कह रहे हैं, चक्रवर्ती ने छह खंड का वैभव छोड़ा, किस लोच करके सिला पर बैठ गए, तो उनकी अब वे तीन लोक में पूज्य हो गए, इज्जत बड़ी है घटी नहीं है। बेटा अब तुम समारो, इज्जत बढ़ेगी घटेगी नहीं, ये मत सोचो हमें को पूछेगा। अब इतने दिन देखो हारो, अब बुढ़ापे में कभी बात चूक जाए कहूं, अब बेटा तुम संभालो, और हमें है तो चिंता मत करो, ये नहीं है हम छोड़ देंगे तुम्हें, करो लेकिन करो अब तुम, छोड़ना सीखो, त्यागमयी संस्कृति है ये हमारी, मोह का त्याग, अज्ञान का त्याग, कथायों का त्याग, तब तुम्हें दुख का त्याग होगा, दुख से छूटोगे। ये समाधि की तैयारी है, ये समाधिमय जीवन का उपाय है, समाधि तंत्र है ये। यहां तो अभी परमात्मा प्रकाश चल रहा है। हे प्रभु क्या कह रहे आचार्य योगेंद्र देव, जो ज्ञानमयी परमेश्वर है, चाहे सिद्धालय में विराजमान हो, चाहे संभोषण में विराजमान हो, चाहे सीमंदर भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, जो ज्ञानमयी परमेश्वर हैं, देखो अगर परमेश्वर का एक गुण पूछाया, केवल एक ओनली वन बताइए आप, तो सर्वज्ञ का, सर्वज्ञ सिद्धि, सर्वज्ञता, सर्वज्ञता होगी तो वितरागता तो पहले होगी, उसके बिना सर्वज्ञता तो होगी नहीं, और सर्वज्ञता होगी तो सुख भी होगा और अनंत बल प्रभुता होगी, अनंत चतुष्टय हो गया। एक सर्वज्ञता में अनंत चतुष्टय अंतर्गर्भित हैं, जैसे एक तुम्हारे 5 लाख के चेक में 2000 अंतर्गर्भित हैं कि नहीं, 5000 अंतर्गर्भित हैं कि नहीं, भीतर समाये हैं उसमें, ऐसे एक सर्वज्ञता में सब आ गया। इनका स्वरूप कैसा है, संसारियों का क्या ज्ञानमय, और इन परमेश्वरों का पंच परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, ज्ञानमय, बस हो गया। अब तुम्हें ज्यादा नहीं भी आता हो तो काम चल जाएगा, लेकिन भेद ज्ञान नहीं होगा तो नहीं चलेगा। जो ज्ञानमय परमात्मा है, है 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 नहीं मानता वह नास्तिक है। जो ज्ञानमय परमेश्वर है, अब बाहर के परमेश्वर की ओर से कथन करो व्यवहार नय का, मोक्ष मार्ग का निमित्त वही है, वही मोक्ष मार्ग का निमित्त है, जो मोहियों का ये कोई मोक्ष मार्ग के निमित्त नहीं होंगे, तुम ही निमित्त कारण इलाज पढ़ते हो, पंडित दौलत राम जी क्या लिख गए, तुम ही निमित्त कारण इलाज, जिन्हें परमेश्वर की श्रद्धा नहीं है, परमेश्वर की भक्ति नहीं है, वे संसार समुद्र के मुख में, संसार समुद्र में रहने वाली मगर के मुख में हैं, उन्हें दुख से कोई नहीं बचा सकता, भाई बंध कुटुंब परिवार पद प्रतिष्ठा देश समाज कोई शरण नहीं होगा, पंच परमेश्वर शरण होंगे तुम्हारे,
जो ज्ञानमय परमेश्वर हैं, ज्ञानमय शाश्वत परमेश्वर की प्राप्ति का निमित्त है, स्वानुभव का निमित्त है, आनंद का निमित्त है, ज्ञान के निमित्त है, मोक्ष मार्ग के निमित्त है, कुछ भी का बुद्ध बीज जिन हरे ब्रह्मा या उसको स्वाधीन को चाहे कछु नाम ले ले, हमें कोई फर्क नहीं है, हमें तो ये है विकराल सर्वज्ञता। ऐसे ही हम राग से भिन्न ज्ञानमय स्वरूप को देखते बाधवन याद कैसा ज्ञानमय, जिस ज्ञानमय भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, बड़ी सुंदर चर्चा आई है। जिसने आत्मा को ज्ञानमय जाना उसने क्या नहीं जाना, और जिसने ज्ञानमय आत्मा को नहीं जाना उसने कहा जानो, तुम्हारा सब पढ़ाई भारी बेकार है, कछु काम की नहीं, वैसे ही मर रहे हो गए, मर गए। ज्ञानमयी आत्मा को न जानने वाले जीव क्षण क्षण में मर रहे, और ज्ञानमयी आत्मा को जानने वाले जीव मर करके भी अमर है। आज भी महावीर स्वामी की जय बोल रहे, आज ना तो भगवान की जय बोल रहे हैं, विश्व का सर्वोत्कृष्ट तत्व ज्ञानमयी परमेश्वर ज्ञानमयी मूरत देखी ज्ञानमयी वैराग्यमयी मूरत देखी ज्ञानमयी। लेकिन ज्ञानमयी मूर्ति को तब देख पाओगे जब ज्ञान हो, ज्ञान से ज्ञानमयी मूर्ति देखी जाएगी, इंद्रियों से नहीं। इंद्रियों से तो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि का विषय होगा, सफेद मूर्ति पीली मूर्ति हरी मूर्ति लाल मूर्ति दिखाई, और वो आत्मा में है नहीं, ज्ञान के ही गम्य है, और ज्ञान के से ही सारे जगत को गम्य करता है, माने प्राप्त करता है। आप ही स्वयं ज्ञाता है, आप ही स्वयं ज्ञेय है, आप ही स्वयं ज्ञान है, स्वभाव से आनंदमय है। जो ज्ञानमयी परमेश्वर है वही मैं हूं, वैसा ही मैं हूं, वही माने वैसा ही मैं हूं। सागर से विसागर से नहीं, सागर से, लेकिन एकत्व नहीं, एकत्व प्रत्याख्यान की बात नहीं है, सागर से प्रत्याख्यान की बात है, यही मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं। बंदे तत्गुण को लब्ध है का अर्थ ये नहीं है, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए भी तुम्हें गुण तुम्हारे उनके कैसे दे देंगे अपने गुण, और तुम काय में लेओगे और कैसे लेओगे, अरे उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। सर्वज्ञ को देख करके सर्वज्ञता अपनी प्रकट करोगे, वितरागता को देख करके वितरागी स्वयं बनोगे, क्या उनकी वितरागता छीनोगे वैरागी नहीं रह जाएंगे या जड़ नहीं रह जाएंगे, उनके गुणों की प्राप्ति नहीं, उन जैसे गुणों की प्राप्ति। प्राप्ति माने प्रकटता, प्राप्ति माने प्रकटता, उन जैसे गुणों की प्रकट करने के लिए हम उनकी वंदना कर रहे हैं। ईमानदारी रखना लौकिक के भोग संयोगों के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, धर्मात्मा दिखने के लिए बहुत छल किए हैं, फिर हम कह रहे हैं क्या धर्मात्मा दिखने के लिए बहुत छल किए हैं, अब धर्मात्मा बनने के लिए भेद ज्ञान करो, तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, धर्मी को पहचानेंगे तब धर्म प्रकट होगा। और जो परमात्मा है वह मैं हूं, और मैं है सो परमात्मा ही तो है, माने अभेद कर लेना, वही मैं हूं, उससे बाहर जो कुछ भी बच गया तो मैं नहीं हूं। थैले में सोना रखा, थैला सोना है क्या, म्यान में तलवार रखी तो म्यान तलवार है, डब्बे में मिश्री रखी तो डब्बा मिश्री है नहीं, और शरीर में आत्मा तो हमारा शरीर आत्मा है,
नहीं नहीं वे तो नहीं नहीं करते जाओगे, और शरीर में आत्मा है तो शरीर शरीर ही आत्मा हो जाएगा क्या? शरीर में रहते हुए भी शरीर आत्मा कभी नहीं होता, और आत्मा शरीर कभी नहीं होता। आत्मा आत्मा ही रहता है और शरीर शरीर ही रहता है। इस वेद ज्ञान का मंत्र ये भगवंतों ने हमें दिया है। आपस में जजनंद करते हो बच्चों के नहीं? बच्चों ने भी शुरुआत कर ली कि नहीं कर ली? सवेरे उठ करके जिनेंद्र भगवान का स्मरण करना, अपने स्वरूप का स्मरण करना, अपने लक्ष्य का विचार करना, ये भाव भाव के अभाव के लिए ये सोचना, ये सब साथ नहीं आएगा। तत्चिंतन करना, कौन भाई थे अभी नाम याद नहीं है, बोले शाम को रोज याद करते हैं, एक दिन और चला गया आत्मकल्याण में कि जो दिवस थे एक दिन और चला गया, एक कम एक दिन कम हो गया। अपना कार्य करने का हर्ष हो और अपना कार्य बिगड़ने जाने का खेद भी हो, विचार करना। लौकिक में दर्शन दिया था परसों शायद, इंद्रिय सुख के बीच में भी अगर कोई दूसरा आ जाता है तो बाधा लगती है, तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करने के लिए तुम शांति से बैठो, दूसरा आ जाए तो क्या लगेगा? बाहर का परचेस क्लेश मारे कैसे? अरे मुनराजों की बात तो अद्भुत है। हम कह रहे ध्यानत राय जी ने कैसे लिखा होगा ये क्षण, लोगन सो मिलबो हमको दुख, सारन सो मिलबो दुख भारी, क्या सीधा भूपत सो मेरे वो मरनो सम, एक दशा मोई लागत प्यारी, क्या सीधा जने जे मूरत बेपरवाह सभी, सुकारी ज्ञानत याही ते ज्ञानी अवांछत कर्म की चाल सवे जिन तारी। ये आएगो ये कहे वो पानी पी ले, कह इतनी देर के बैठे तुम पानी नहीं पियो, क्या कहेगा मोई जी? ज्ञानी भी कहेगा, लेकिन ज्ञानी का कहना पानी काय के लिए है? फिर अवक्ष औषधि का सेवन नहीं करना पड़े, बीमार ना हो जा, साधना तुम्हारी निर्विघ्न चलती रहे, इसलिए है। लेकिन लौकिक जीव आया कहे अरे पानी नहीं पिया तुमने, रोटी नहीं खाई। एक बात सुना, सुनो बढ़िया फिल्म आई हुआ वो चैनल पे आई 3 बजे पर, ये बातें करे वो, और क्या भाव चल रही है? सोने के भाव बढ़ गए और भाई शेयर के भाव बहुत बढ़ गए, तुम्हें मालूम नहीं? ये भगवान, और तुम्हें आनंद आ रहा है, अनेक आ जाओ करो बकत कट जाओ, कर्म काटने के लिए ये भाव है, बकत काटने के लिए नहीं है। इन मोहियों से सावधान रहो, पर्चे मत बढ़ाओ। पूजपा स्वामी कहते हैं समाज तंत्र में, ये जन संपर्क तुम्हारे बाचाल बनाता है, चंचल करता है उपयोग को तुम्हारी को, शांत शांत शांत, जितने मौन रह सको उतने मौन रहो, और जितने मगन रह सको उतने मगन रहो, जितने मौन रह सको उतने मौन रहो, और जितने मगन रह सको उतने मगन रहो, दूसरा कुछ भी करने योग्य कार्य नहीं है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं साधुओं से, हे साधो साधिए निज कार्य अविरत, साध रत रहे मौन, तो मौन रह करके अपना साधन करो। ये चौका बान से हो, ये खाए बान से हो, बातें करे बान से, और जिस समाज में जो हो रो फलान जगह जो हो रो वहां जो हो, इन बातों से सावधान रहो, ये तुम्हारी साधना के अंतराय हैं, घातक हैं। भैया एक बात बताओ, लाख और पीपल में क्या संबंध है? लाख और वृक्ष में क्या संबंध है? बद्ध घातक। तो राग में और आत्मा में क्या संबंध है? बद्ध घातक ये तुम्हारे ज्ञान का घात करने वाला है, ये रागालिक भाव।
जब रागादिक भाव ज्ञान का घात करने वाले हैं तो रागादिक के निमित्त है ये पर द्रव्य तो उपचार से कौन घात करने वाला हुआ। हाँ समझ गए जी, शेर आ रहे हो जो खाए वो। लेकिन शरीर को मुझे नहीं ऐसा जान करके अपन भीतर समझ गए और खाया भाई। कितनी सुंदर समाधि है, कितना सुंदर मार्ग है। शीर आ रहा खाए वो जी, अजगर आ रहा है डसेगा, अजगर नहीं डसता तो भी शरीर को कहीं जलाते कहीं गाड़ते कहीं छोड़ देते कहीं कौआ खाया कहीं गीत खाया कहीं कछु जाते पोस्टमार्टम कर देते कहीं बॉडी होती सुबह प्रसिगल कर रहे होते का हो तो बताओ, शरीर का तो परिणमन होना ये खाया खाया हमें खा लेना, हमारी धर्म को तो नहीं खा रहा, हमारी शरीर आत्मा को तो नहीं खा रहा, हमारी वैराग को तो घात नहीं कर रहा। कितने निश्चिंत बैठ गए, भैया देह से भिन्न आत्मा को जाने बिना सुख की कल्पना भी मिथ्या है, भटको मत। बड़ा सुंदर शब्द है, एहो भाग निभंत, निर्भ्रांत होकर के निशंक होकर के, निशंक श्रद्धा की अपेक्षा है ज्ञान की अपेक्षा, निर्भ्रांत होकर के तुम ऐसा ऐसी भावना भाव प्राप्ति न हुए कछु सही, ऐसो तू